हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदर्श शर्मा, हाईवे इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 32 में आप सभी का स्वागत है। लेक्चर नंबर 32 में बेसिकली हम चैप्टर नंबर 8 के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे आपने पढ़ा था, इसके पहले हमने चैप्टर 7 के बारे में स्टडी किया था। चैप्टर 7 के बारे में हमने पूरी डिटेल से आपको सारी चीजें बता दी थी। चैप्टर 8 के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि है आपका रोड मेंटेनेंस, सड़कों का अनुरक्षण। जैसे कोई भी चीज बनती है तो उसका पीरियोडिक मेंटेनेंस काफी ज्यादा जरूरी होता है। जैसे आप घर का एग्जाम्पल ले लीजिए, सड़क का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप अपने वहाँ जो भी आपके वहाँ अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हो गए, आपके मोबाइल फोन हो गया, कोई भी चीज हो गया, हर एक चीज का एक समय के बाद मेंटेनेंस जरूरी है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से जो हमारी रोड होती है, रोड का मेंटेनेंस क्या होता है, काफी ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है ना। तो रोड के मेंटेनेंस के बारे में कुछ चीजें देखते हैं। आते हैं सबसे पहले टॉपिक पे, प्रस्तावना जो है आपका इंट्रोडक्शन। सबसे पहला आपका टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन, कि रोड मेंटेनेंस बेसिकली होता क्या है। तो अगर मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करते हैं, ठीक है ना। मैं आपको क्या बता रहा हूं, फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो सड़कों की लाइफ होती है वो कितनी होती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जाती है तो 10 साल जाती है। कितनी जाती है? 10 इयर्स की जाती है। और अगर एवरेज बात किया जाए तो एवरेज कितना रहता है, 5 to 6 इयर्स। ये आपको क्या रहता है, एवरेज रहता है। अगर हम बात करते हैं किसकी, रिजिड पेमेंट की, रिजिड पेमेंट की बात करते हैं तो इसकी लाइफ जो होती है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी जाती है, 40 साल की। एवरेज की बात करते हैं तो 25 से 30 साल होता है। 25 से 30 साल क्या होता है, ये आपकी क्या है, ये आपकी मैक्सिमम है, ये आपकी क्या है, ये आपकी एवरेज है। ये मैक्सिमम लाइफ है, ये एवरेज लाइफ है, ठीक है। तो जब सड़क को हम क्या करते हैं, इस तरीके से डिजाइन करते हैं, इस तरीके से बनाते हैं कि ये 10 साल चल जाए या 5 से 6 साल कम से कम चले, ही चले ये 40 साल चले या फिर 25 से 30 साल कम से कम चले। तो सड़कों में क्या होता है, समय समय पर टाइम टू टाइम पीरियडिक मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। क्या होती है, टाइम टू टाइम पीरियडिक मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, टाइम टू टाइम पीरियडिक मेंटेनेंस। हम ग्रेडियंट को चेक करते हैं, सुपर एलिवेशन को चेक कर लेते हैं, ठीक है, सुपर एलिवेशन को चेक कर लेते हैं, रोड में किसी प्रकार की क्रैकिंग तो नहीं है, उस क्रैकिंग को चेक कर लेते हैं, रोड में क्रैकिंग को चेक कर लेते हैं, शोल्डर की कंडीशन को चेक कर लेते हैं, शोल्डर की कंडीशन को चेक कर लेते हैं, पेवमेंट को चेक करते हैं, ड्रेन्स को चेक करते हैं। इस तरीके से रोड के जितने भी कंपोनेंट हैं हम सारी चीजों की क्या करते हैं, चेकिंग करते हैं। तो जो सड़क का ये मेंटेनेंस है, ये हमारे लिए क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। अब आपको जैसे हमने पढ़ाया कि सड़कें जो होती है बेसिकली दो प्रकार से हो सकती है, एक तो फ्लेक्सिबल पेमेंट हो सकता है और एक रिजिड पेमेंट हो सकता है। तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे कि जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है उनमें किस प्रकार की कमियां आती है और उन कमियों का मेंटेनेंस किस तरह कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे जो रिजिड पेमेंट है उसमें किस प्रकार के फेलियर्स आते हैं, किस प्रकार की कमियां आती है और उनको हम किस तरह दूर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कॉमन टाइप ऑफ रोड फेलियर इन फ्लेक्सिबल पेमेंट, ठीक है ना। कि जो कॉमन टाइप ऑफ के रोड फेलियर होते हैं, रोड फेलियर के जो सामान्यतः टाइप्स होते हैं कि कौन कौन से होते हैं, उस चीज के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉमन टाइप ऑफ रोड फेलियर, ठीक है ना। क्या स्टडी कर लेते हैं, कॉमन टाइप ऑफ रोड फेलियर। कॉमन टाइप ऑफ रोड फेलियर, तो इसमें हम किसकी स्टडी करेंगे, दोनों पेमेंट की स्टडी करेंगे। पहला हमारा आता है फ्लेक्सिबल और दूसरा आता है रिजिड। फ्लेक्सिबल और हम इसमें क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट, इन दोनों में जो भी हमारे क्या होते हैं, फेलियर्स होते हैं, उन फेलियर्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना।
कि अगर किसी सड़क का समय समय पर देखभाल ना किया जाए तो उससे कौन कौन से फेलियर हो सकते हैं, उन चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला होता है, सबसे पहले अगर कमी की बात करें तो जो हमारा सॉयल सबग्रेड होता है वो खराब हो जाता है। क्या होता है? सॉयल सबग्रेड क्या हो जाता है? सॉयल सबग्रेड क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है या डिट्रीब्यूट हो जाता है। इसके खराब होने से क्या होता है? जो रेन वाटर होता है, जो हमारा रेन वाटर होता है, वो रेन वाटर क्या हो जाता है? इनकरने लगता है। रेन वाटर सरफेस में इनकरने लगता है, जिसकी वजह से सड़क क्या हो जाती है? काफी ज्यादा कमजोर हो सकती है। ठीक है ना? तो पहली प्रकार का तो फेलियर ये है, ये दोनों में हो सकता है, फ्लेक्सिबल कंपोनेंट भी हो सकता है, रिजिड कंपोनेंट भी हो सकता है। दोनों चीजें जो हम बता रहे हैं दोनों चीज के लिए बता रहे हैं। अगर जैसे सड़क पे क्या आ गया, बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, अगर फ्लड आ गया तो फ्लड में क्या होगा? जो पूरा का पूरा रोड होता है वो क्या हो जाएगा? सबमर्ज हो जाएगा। सबमर्ज माने डूबना, पूरा का पूरा रोड क्या हो जाएगा? सबमर्ज अंडर वाटर। ठीक है, अंडर वाटर, पानी के अंदर क्या हो जाएगा? सबमर्ज हो जाएगा। इससे भी क्या होगा? रोड काफी ज्यादा खराब हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी रोड का टाइम टू टाइम मेंटेनेंस कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसके जो सबग्रेड होंगे, इसके जो लेयर्स होंगे या फिर सब बेस और बेस कोर्स होगा, वो काफी ज्यादा मजबूत होगा और इस प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अगला हमारा आता है कंपैक्शन। अगला हमारा फैक्टर आता है कंपैक्शन। कंपैक्शन बेसिकली क्या करते हैं? एयर वायर्स को हम रिमूव करते हैं, जो हवा के हमारे बुलबुले होते हैं, जो एयर वायर्स को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। अगर हम कहीं पे कंपैक्शन अच्छा नहीं करेंगे तो हमारी जो सड़क होगी उसका क्या हो जाएगा? सेटलमेंट हो जाएगा, वो सड़क हमारी क्या हो जाएगी? धस जाएगी। ठीक है, अगर हम अच्छा ढंग से कंपैक्शन नहीं किए तो क्या हो जाएगा? सेटलमेंट ऑफ रोड, सेटलमेंट ऑफ रोड का क्या हो जाएगा? सेटलमेंट हो जाएगा, रोड पूरी की पूरी धस जाएगी। ठीक है ना? तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ये सारी प्रॉब्लम्स क्या है, वन बाय वन सारी प्रॉब्लम्स आ रही है तो हम आपको बता रहे हैं। अगला क्या है? तापमान के प्रभाव के कारण। ठीक है ना? वेरिएशन इन टेम्परेचर, वेरिएशन इन टेम्परेचर। कभी कभी आप देखते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है, काफी ज्यादा बढ़ जाता है। टेम्परेचर क्या होता है? काफी ज्यादा हाई हो जाता है। इसके होने से क्या होने लगता है? जो रोड होती है वो मेल्ट होने लगती है, या फिर कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी कम हो जाता है। इससे सड़कों में क्या आ जाती है? क्रैकिंग आ जाती है। इससे सड़कों में क्या आ जाती है? क्रैकिंग आ जाती है। तो हमको क्या करना है? वेरिएशन इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो वेरिएशन है इसको भी ध्यान रखना है, इसको भी ध्यान रखना और इन सारी चीजों को चेक करना है। ठीक है ना? जब भी टेम्परेचर का वेरिएशन हो तो हमको क्या करना चाहिए? जाके सरफेस के ऊपर वाले लेयर को चेक करना चाहिए कि वो कैसा है, कैसा नहीं है, उसकी कंडीशन कैसी है। ठीक है ना? कि ऐसा नहीं ना कि जो बिटुमन है हमारा खराब हो रहा है, या जो हमने कंक्रीट यूज किया उस कंक्रीट में कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है ना? तो अगर इस तरह की दिक्कत है तो ये भी हमको क्या करना चाहिए? प्रॉपर टाइमली चेक करना चाहिए। ठीक है ना? और अगला आता है कंक्रीट। अगर कंक्रीट सड़क की बात करें तो इसमें क्या होते हैं? जॉइंट्स में अगर किसी प्रकार की डिफेक्ट आ रही है, जॉइंट में किसी प्रकार की डिफेक्ट आ रही है, तो सारा पानी क्या होगा? सबग्रेड में चला जाएगा, या फिर इससे क्या होगा? इससे सबग्रेड खराब होने लगेगा। इससे क्या हो जाएगा आपका? इससे सबग्रेड में डिफेक्ट आ जाएगा। ठीक है? अगर डिफेक्ट आपका जॉइंट्स में आता है तो इससे सबग्रेड में भी क्या हो जाएगा? डिफेक्ट आ जाएगा आपका, सबग्रेड खराब हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? सबग्रेड भी खराब हो जाएगा और क्या हो जाएगा? इसमें पानी आ जाएगा। ठीक है? सकिंग होने लगेगा। बेसिकली सकिंग क्या होता है? जो पानी होता है वो पानी क्या करता है? सरफेस के नीचे चला जाता है। जो आपके रोड का सरफेस होता है, कंक्रीट का सरफेस होता है, उससे नीचे चला जाता है, तो सकिंग प्रोसेस होने लगता है। ठीक है ना? और अगर हम बात करें अगली चीज की, तो गाड़ी बहुत हाई स्पीड से चलता है रोड पे, तो रोड पे क्या हो जाती है? क्रैकिंग आ जाती है। ठीक है ना? क्या जाती है? क्रैकिंग आ जाती है, क्रैकिंग आ जाती है, और आपका लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन आ जाता है, लॉन्गिट्यूडनल या फिर लैटरल डिफॉर्मेशन आ जाता है। लॉन्गिट्यूडनल या लैटरल क्या हो जाता है? डिफॉर्मेशन आ जाता है कभी सड़कों में, तो इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर इन सारी चीजों का बिछा रहे हैं, बढ़िया ढंग से कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होता। अगला होता है कि बहुत सारे पाइपलाइन सड़क के पास से गह जाते हैं। क्या गह जाते हैं? पाइपलाइन। बहुत सारे पाइपलाइन कनेक्शंस गए होते हैं, या फिर इंटरनेट केबल्स गए होते हैं, या फिर आपके
इंटरनेट केबल्स गायब होते हैं, तो इन सारी चीजों का भी हमको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। कि कहीं ऐसा ना हो कि इंटरनेट केबल की वजह से सड़कों में कोई प्रॉब्लम हो जाए, या जो बहुत सारे पाइपलाइन है या तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए रोड के मेंटेनेंस में, कि ये सारी चीजें भी क्या रहे, प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग करते रहे, प्रॉपर तरीके से काम करते रहे। अगर किसी एक में भी प्रॉब्लम आएगी तो हमको क्या हो सकती है, काफी सारी दिक्कत हो सकती है। और रोड में इतने टाइप्स के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमको क्या करने पड़ सकते हैं, फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको हम इरेज करते हैं, फिर हम आगे पढ़ते हैं कि जो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है उनमें किस प्रकार की मेंटेनेंस, वो किस प्रकार के डिफेक्ट्स की वो होती है, ठीक है ना, कौन कौन से प्रकार के डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ज्यादा उम्मीद किसकी रहती है, ठीक है ना, डिफेक्ट की। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है टाइप ऑफ फेलियर इन फ्लेक्सिबल पेमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है टाइप ऑफ फेलियर इन फ्लेक्सिबल पेमेंट। देखिए इसमें स्टडी क्या करने वाले, इसमें हम बेसिकली स्टडी करने वाले जो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है उसमें कितने तरह के फेलियर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट में कितने लेयर्स होते हैं, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में जैसे हमको पता है चार तरीके के लेयर्स होते हैं। पहला लेयर क्या होता है, अगर हम पहले लेयर की बात करें तो क्या होता है हमारा सॉइल सबग्रिड, दूसरा क्या होता है, दूसरा सब बेस होता है, तीसरा हमारा होता है बेस होता है, और चौथा चौथा वेयरिंग कोर्स होता है, सरफेस कोर्स होता है, और ये होता है बेस कोर्स होता है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये चार तरीके के क्या होते हैं, चार तरीके की हमारे कोर्स होते हैं। सबसे पहले सॉइल सबग्रिड होता है, ये क्या है, बॉटम टू टॉप है, ये क्या है आपका, ये आपका बॉटम टू टॉप है, ये आपका क्या है, बॉटम टू टॉप, ये बॉटम टू टॉप है, मतलब ये नीचे से है, नीचे से ऊपर की तरफ है, ये सबसे ऊपर रहेगा, फिर ये रहेगा, फिर ये रहेगा, फिर ये रहेगा। तो इस तरीके से चीजें होती हैं, ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं इसमें मेन फेलियर्स की, कि कौन कौन से मेन फेलियर्स होते हैं, कौन कौन सी इसमें दिक्कतें आती हैं, तो सारी चीजों को हम क्या करते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं, एक तरफ उनको लिख लेते हैं, फिर एक तरफ उनकी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें कॉमन फेलियर क्या क्या आते हैं, इन चार लेयर्स में कॉमन फेलियर क्या क्या आते हैं। कॉमन फेलियर अगर
तो कॉमन फेलियर की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा कॉमन फेलियर आता है, सबसे पहले कॉमन फेलियर की बात करते हैं तो ये क्या होता है, मैप क्रैकिंग। क्या होता है ये? मैप क्रैकिंग, ये मैप क्रैकिंग होता है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, मैप क्रैकिंग, या इसी को हम दूसरे भाषा में बोलते हैं एलिगेटर क्रैकिंग। इसी को हम दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं, एलिगेटर क्रैकिंग, एलिगेटर क्रैकिंग, मैप क्रैकिंग या एलिगेटर क्रैकिंग। ये हमारा क्या रहा, पहले टाइप का फेलियर है। दूसरे टाइप की फेलियर की बात करते हैं तो क्या होता है, कंसोलिडेशन ऑफ पेमेंट लेयर, कंसोलिडेशन ऑफ पेमेंट लेयर या रेटिंग, तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा हमारा आता है सीयर फेलियर क्रैकिंग। तीसरा हमारा आता है सीयर फेलियर क्रैकिंग। चौथे की बात करते हैं तो चौथा हमारा आता है लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग, ठीक है। चौथा हमारा क्या आता है, लॉन्गी लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग। पांचवे की बात करते हैं तो पांचवा हमारा आता है लैक ऑफ बाइंडिंग, ठीक है, लैक ऑफ बाइंडिंग टू लोअर पोर्स, लैक ऑफ बाइंडिंग। Lack of binding to lower pores. छठवें नंबर की बात करते हैं तो छठवां नंबर हमारा आता है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग माने क्या होता है, पानी की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो उसको ब्लीडिंग बोलते हैं। सातवें नंबर की बात करते हैं तो सातवां नंबर हमारा आता है रिफ्लेक्शन क्रैकिंग। सातवां नंबर क्या आता है, रिफ्लेक्शन क्रैकिंग, रिफ्लेक्शन क्रैकिंग। और हमारा लास्ट आता है आठवां नंबर। आठवां नंबर की बात करते हैं तो ये हमारा होता है पंपिंग। आठवां नंबर हमारा क्या होता है, पंपिंग, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, ये आपके इतने टाइप्स के कॉमन फेलियर हो गए। अब हम वन बाय वन क्या करते हैं, इसकी की स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आता है, मैप क्रैकिंग। सबसे पहले हमारा मैप क्रैकिंग आता है। अब देखिए मैप क्रैकिंग का मतलब क्या है, आपको नाम से पता चला मैप क्रैकिंग कि जब भी सड़क जो है वो क्रैक हो रही है तो एक मैप के साइज में क्रैकिंग हो रही है, मैप के जैसे क्रैकिंग हो रही है, ठीक है। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, मैप क्रैकिंग ही बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होती है, ये बेसिकली क्या होता है, ये फटीग के कारण होता है, ठीक है ना। ये किसके कारण होता है, इस मैप क्रैकिंग को किसके कारण होता है, ये अकर ड्यू टू फटीग फेलियर। ये कौन सा फेलियर है, फटीग फेलियर है। ये कौन सा फेलियर आपका होता है, फटीग फेलियर होता है। फटीग क्या होता है, फटीग क्या होता है, फटीग मतलब जब आप एक ही चीज पे बार 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 काम करेंगे तो उसमें क्या हो जाता है, वियर एंड टियर आ जाता है और उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो काफी कम हो जाती है। तो उसी हम चीज को क्या बोलते हैं, उसी चीज को हम बोलते हैं फटीग फेलियर। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं फटीग, ठीक है ना। मैं मोटे वाले चार्ट से मोटे वाले इससे लिख देता हूँ, क्या आ जाता है, फटीग फेलियर, फटीग फेलियर। फटीग फेलियर की बात करें तो फटीग फेलियर क्या होता है, लैक ऑफ रेजिस्टिविटी, लैक ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी में कमी, मतलब सड़क की जो प्रतिरोध क्षमता है उस प्रतिरोध क्षमता में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये आपका फेलियर हो जाता है, फटीग फेलियर हो जाता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि इसकी क्यों होता है, तो बार 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 क्या होता है ना, ड्यू टू कंटिन्यूअस लोडिंग ऑफ व्हील ऑन ग्राउंड, ड्यू टू कंटिन्यूअस लोडिंग ऑफ व्हील,
जो पहिया होता है, पहिया का जब कंटिन्यूअस लोडिंग रोड पे पड़ता है तो कंटिन्यूअस लोडिंग पड़ने के कारण क्या होता है, उसमें क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं। और जब वो क्रैक्स जनरेट होते हैं तो भी क्या होता है, जब हम उसका क्रैक्स जनरेट होने के बाद भी अगर हम उसका मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं तो वो क्रैक्स क्या होते हैं, वो क्रैक्स बढ़ते रहते हैं, वो क्रैक्स बढ़ते रहते हैं, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते एक ज्यादा लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो ज्यादा लेवल पे पहुंच जाते हैं तो क्रैक्स हर जगह फैल जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम मैप क्रैकिंग बोलते हैं। अगला हमारा आता है डिफ्लेक्शन इन फ्लेक्सिबल कमेंट। डिफ्लेक्शन माने क्या होता है, विस्थापन। डिफ्लेक्शन माने क्या होता है, विस्थापन। तो कभी कभी क्या होता है, जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है उसमें विस्थापन हो जाता है, क्योंकि फ्लेक्सिबल पेमेंट है ये हर जगह तो सेम रहता नहीं है। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट समझ लीजिए कि जब हमने रोड लगाई हो तो रोड इस तरह रहा हो, लेकिन बाद में क्या रहा हो, बाद में ये कुछ इस तरह रहा हो, इसमें डिफ्लेक्शन आ गया हो, ठीक है ना। और मैप क्रैकिंग मैंने बताया, तो मैप क्रैकिंग आप देखते ना, मैप क्रैकिंग कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है ना। मैप क्रैकिंग क्या होता है, ऐसे सड़कों पर पूरी फैल जाती है, पूरी क्रैक क्रैक ऐसे फैल जाती है, यही हमारा क्या होता है, यही हमारी मैप क्रैकिंग होती है, ठीक है ना। बिल्कुल, देखिए कोई एक मैप बना लेता है, इसका कुछ एक फिक्स नहीं है, तो यही हमारी क्रैकिंग क्या होती है, मैप क्रैकिंग होती है। डिफ्लेक्शन इन फ्लेक्सिबल पेमेंट में क्या होता है, जब हम पेमेंट बिछाते हैं तो पेमेंट बिल्कुल कैसा होता है, सीधा होता है, इस तरह हल्का सा ग्रेडियंट होता है, सॉरी हल्का सा हम यहाँ पे क्या देते हैं, कैम्बर देते हैं, हल्का सा इस तरह कैम्बर देते हैं। लेकिन जब हमारी सड़क खराब होती है, जब हमारी क्या होती है, सड़क खराब होती है, तो उसमें इस तरीके के डिफ्लेक्शन आता था। आप देख रहे हैं ये सारे पोर्शन क्या हो गए, ये बैठ गए, और ये सारे पोर्शन उठ गए हैं, ये सारे पोर्शन आपको क्या कर गए हैं, ये उठ गए हैं, ठीक है ना, और ये सब पोर्शन बैठ गए हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, डिफ्लेक्शन आ जाता है, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। और अगर आगे क्या होता है, तो क्या होता है, कभी कभी नमी के कारण क्या होता है, ड्यू टू मॉइस्चर, नमी के कारण क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू मॉइस्चर, मॉइस्चर के कारण क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू मॉइस्चर, ठीक है ना, मॉइस्चर के कारण क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला रहा मैप क्रैकिंग, ठीक है, मैप क्रैकिंग एक्सिस समझ गए। इसको एलिगेटर क्यों कहते हैं, एलिगेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साइज में कुछ एलिगेटर टाइप का हो जाता है, बिल्कुल फैल जाता है, तो इस वजह से हम इसको एलिगेटर बोल देते हैं। अब दूसरा हमारा आता है कंसोलिडेशन ऑफ पेमेंट लेयर, दूसरा हमारा आता है कंसोलिडेशन ऑफ पेमेंट लेयर। देखिए ये क्या होता है, इसलिए अगर हम इसकी बात करते थे क्या होता है कंसोलिडेशन ऑफ पेमेंट लेयर। देखिए बेसिकली होता क्या है, जब जो हमारा लेयर होता है, लेयर का अगर कंसोलिडेशन नहीं अच्छा होता है, ठीक है, इफ कंसोलिडेशन इज नॉट प्रॉपर देन रट्स अकर, या पैराटिनल रटिंग होता है, ठीक है, रटिंग होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, रट्स अकर। अब रट्स अकर क्या होता है, देखिए बेसिकली कंसोलिडेशन सबसे पहले क्या होता है, तो कंसोलिडेशन को अगर हम समझते हैं तो कंसोलिडेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर बेड्स। ठीक है, जो भी हमारा सैंपल है, जो भी हमारी मिट्टी है, उससे रिमूवल ऑफ वाटर राइट्स, वाटर राइट्स मतलब जैसे जब पानी होता है तो पानी में तीन चीजें मिली, मतलब कोई भी सॉइल सैंपल है उसमें तीन चीजें मिली होती है, एक तो आपका सॉइल होता है, दूसरा एयर होता है, और तीसरा वाटर होता है। तो जब हम एयर को रिमूव करते हैं या फिर एयर को हटाने की कोशिश करते हैं तो उस प्रोसेस को कंपैक्शन बोलते हैं, और वाटर को हटाने की कोशिश करते हैं तो उसको हम कंसोलिडेशन बोलते हैं। लेकिन ये कंसोलिडेशन एक कैसा प्रोसेस होता है, ये आपका नेचुरल प्रोसेस है, ये कैसा प्रोसेस होता है, ये नेचुरल प्रोसेस होता है, और ये प्रोसेस क्या होता है, काफी ज्यादा स्लो होता है। जबकि अगर हम कंपैक्शन की बात करते हैं तो कंपैक्शन हमारा क्या होता है, आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है, और काफी रैपिडली, काफी ज्यादा तरीके से, जल्दी तरीके से कर सकते हैं। तो चूंकि ये कैसा प्रोसेस होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है, इसलिए इसको हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये क्या होता है, एक नेचुरल लेवल पे ही, एक बहुत काफी दिनों के बाद जाके ये प्रोसेस पूरा होता है, 6 महीने, 2 साल, 3 साल, ऐसे ही
ये प्रोसेस पूरा होता है। चूंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है तो इसलिए सड़क को बहुत देर तक खुला नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, बहुत देर तक खुला नहीं छोड़ सकते। तो आप लोग अक्सर देखते हैं कि क्या होता है कि जब हम कंसोलिडेशन करते हैं सड़क की, तो क्या करते हैं, सड़क पे मिट्टी डाल के या फिर एक लेयर डाल के उसको छोड़ देते हैं कि सड़क जो है वो पूरी तरीके से बैठ जाए। और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, सड़क के लेयर के ऊपर हम क्या कर देते हैं, चूना डाल देते हैं, लाइम डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो मॉइस्चर है वो रोड का वो एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है ना। अब बेसिकली क्या होता है, जब सड़क में कंसोलिडेशन की कमी होगी तो सड़क क्या होगा, बैठने लगेगा, सड़क का कुछ हिस्सा बैठने लगेगा। समझ लीजिए कि जैसे ही क्या है, ये आपकी सड़क है, अब सड़क में यहाँ पे क्या थी, यहाँ कंसोलिडेशन की कमी, तो सड़क इस तरह बैठ गई, यहाँ पे कंसोलिडेशन की कमी, तो सड़क इस तरह बैठ गई, तो ये वाला हिस्सा आपका क्या बन गया, ये हिस्सा आपका गड्ढा बन गया, ये भी हिस्सा आपका क्या बन गया, गड्ढा बन गया। इन्हीं गड्ढे को हम क्या कहते हैं, रट्स बोलते हैं, यही हमारे क्या कहलाते हैं, यही हमारे रट्स कहलाते हैं। इस तरह के गड्ढे आप अक्सर आप लोग देखते होंगे फ्रैक्चर पेवमेंट में, इस प्रकार के गड्ढे बन जाते हैं, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को रट्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपका कंसोलिडेशन अच्छे से नहीं हो रहेगा तो सड़कों में क्या बन जाएगा, रट्स बन जाएगा। और दूसरा एक होता है कंटिन्यूस लोडिंग ऑफ व्हील, एक चीज और होता है कंटिन्यूस लोडिंग ऑफ व्हील। जो पहिया होता है, पहिया के कंटिन्यूअस लोडिंग के कारण भी क्या होता है, कभी कभी इस प्रकार के प्रोसेस हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर रोड अच्छे से कंपैक्टेड नहीं होगा तो क्या होगा कि कभी कभी पहिए के कारण भी हो जाता है, लेकिन पहिए के कारण जो होता है इसको हम शैलो रट्स बोलते हैं, ये बहुत हल्का होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम शैलो रट्स बोलते हैं। शैलो मतलब क्या होता है, शिथिला, शिथिला मतलब थोड़ा सा, ज्यादा नहीं होता है, ठीक है ना। शैलो जब होता है, शैलो ज्यादा डेप्थ में नहीं होता, शैलो बिल्कुल थोड़ा सा होगा, शैलो बिल्कुल थोड़ा सा। जैसे देखिए यहाँ पे रट्स पड़ा है ना, ये क्या होता है, ये बिल्कुल थोड़ा सा रट्स होता है, ज्यादा रट्स नहीं होता, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके की चीजें रही। तीसरा हमारा आता है सीयर फेलियर क्रैकिंग, तीसरा हमारा आता है सीयर फेलियर क्रैकिंग। सीयर फेलियर क्रैकिंग अब देखिए सीयर फेलियर क्या होता है, सीयर माने आप लोग जानते हैं क्या होता है, कर्तन, कर्तन फेलियर, ठीक है ना। कर्तन फेलियर मतलब क्या है, कर्तन में कमी, कर्तन में का कमी का मतलब क्या है, सड़क जो है, रोड जो है, रोड में आपका क्या होगा, अगर सीयर की कमी होगी, कर्तन की कमी होगी। कर्तन मतलब क्या, जैसे आपने सीयर फोर्स पढ़ा होगा, काटने वाली बल, ठीक है ना, ये इसका लेयर है और इसके ऊपर क्या कर लग रहा है, कोई फोर्स लग रहा है, तो फोर्स इसको क्या करता है, कट करने की कोशिश करता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सीयर फोर्स बोलते हैं। बेसिकली सीयर माने क्या होता है, जैसे कैंची, कैंची में क्या, कैंची के दो सर्फेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, सीयर फोर्स लगता है, ठीक है ना। तो बेसिकली आपने ये सारी चीजें पढ़ ली होंगी सोमा वगैरह में। तो सड़क में क्या होता है, सड़क में जब सीयर की कमी होती है तो सीयर की कमी के कारण जो फेलियर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सीयर फेलियर बोलते हैं, ठीक है ना। सीयर फेलियर बेसिकली क्या होता है, ये जो पेवमेंट होता है, पेवमेंट की जो सामग्री होती है, पेवमेंट की सामग्री अगर अच्छे क्वालिटी की नहीं है तो उसमें क्या हो जाती है, उसमें उथल पुथल हो जाती है। उथल पुथल होने का मतलब क्या, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, और डिस्टर्बेंस क्रिएट होने के कारण क्या हो जाता है, सीयर फेलियर हमारा हो जाता है, ठीक है। सीयर फेलियर के भी कुछ कारण होते हैं, पहला कारण है कि अत्यधिक भार पड़ने के कारण, और दूसरा है पेवमेंट में कर्तन प्रतिरोध कम होने के कारण, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला इसका रीजन है बैड मटेरियल, सबसे पहले क्या है, बैड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बैड कंस्ट्रक्शन मटेरियल मतलब खराब कंस्ट्रक्शन मटेरियल के कारण। अगला रीजन क्या है, वेरी हैवी लोड, वेरी हैवी लोड, बहुत हैवी लोड के कारण होता है। नेक्स्ट रीजन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट रीजन मैंने आपको क्या बताया, ड्यू टू लैक ऑफ सीयर रेजिस्टेंस, ड्यू टू लैक ऑफ सीयर रेजिस्टेंस। ये तीन मेन रीजन है जिसके कारण सीयर फेलियर होता है, ठीक है ना। खराब मटेरियल रहेगा तो क्या हो जाएगा, मटेरियल उथल पुथल हो जाएगा, मतलब रैंडमली हो जाएगा, मटेरियल क्या हो जाएगा, रैंडमली हो जाएगा, रैंडमली सेट हो जाएगा मटेरियल, रैंडमली सेट होने के कारण होता हैवी लोड के कारण क्या होता है, सीयर फेलियर होता है। हैवी लोड के कारण क्या होता है, सीयर आकर हो जाता है, सीयर आकर होने लगता है, ठीक है। बाकी हम बता दें, ड्यू टू लैक ऑफ सीयर रेजिस्टेंस, सीयर रेजिस्टेंस की कमी की वजह से इस तरह की चीज होती है। चौथे की बात करते हैं, तो चौथा हमारा क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल क्रैकिंग,
अब देखिए लॉन्गिट्यूडिनल पैकिंग क्या होता है, तो सड़क की लंबाई की दिशा में लेंथ ऑफ रोड अलोंग टू द लेंथ ऑफ रोड, अलोंग टू द जब सड़क की लंबाई की दिशा में जो क्रैकिंग हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, सड़क की लंबाई की दिशा में जो क्रैकिंग हो जाती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग। अब जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग होती है ये भी क्या होता है, ये आपका जो थिकनेस है थिकनेस में कमी के कारण क्या होता है, ये लैक ऑफ थिकनेस के कारण होता है, किसके लैक ऑफ प्रॉपर थिकनेस, लैक ऑफ प्रॉपर थिकनेस ऑफ रोड पियोमेंट। सड़क पियोमेंट में अगर थिकनेस की कमी रहेगी तो उसके कारण भी क्या होता है, ये चीज होती है, ठीक है ना। डिफरेंट ट्रैफिक वॉल्व, डिफरेंट ट्रैफिक वॉल्व, डिफरेंट ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक वॉल्यूम मतलब एक समय में एक किसी एक यूनिट समय में एक जगह से कितने लोग गुजर रहे हैं, जैसे गोल घर चौराहा है तो गोल घर चौराहे में एक घंटे में गोल घर चौराहे से कितनी गाड़ियां आ रही है, कितनी गाड़ियां जा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम। तो बेसिकली डिफरेंट DWEMT, डिफरेंट की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, डिफरेंट ट्रैफिक वॉल्यूम, जब अलग अलग ट्रैफिक वॉल्यूम होता है तो कभी ट्रैफिक पे लोड ज्यादा मतलब रोड पे ज्यादा लोड पड़ता है या रोड पे क्या होता है कभी कभी कम लोड पड़ता है, तो कहीं पे ज्यादा लोड कहीं पे कम लोड पड़ता है, तो इसकी वजह से क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग। ये हमेशा कौन सी क्रैकिंग होती है, जो सड़क होती है सड़क की लंबाई की दिशा में क्रैकिंग होती है। अगर जैसे कि आपकी सड़क है तो सड़क की लंबाई की दिशा में जो क्रैकिंग होगी, लंबाई की दिशा में जो क्रैकिंग होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, यही हमारा लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग होता है, ये क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग होता है, ठीक है ना। अब कभी कभी क्या होता है, जो हमारा ग्रेडियंट होता है या साइड स्लोप होता है, साइड साइड में हम साइड स्लोप देते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है स्लाइडिंग ऑफ साइड स्लोप के कारण होता है, स्लाइडिंग ऑफ साइड स्लोप, साइड स्लोप जो हमारे ये रोड होता है ना, रोड में हम साइड साइड में क्या देते हैं, साइड स्लोप देते हैं, तो कभी कभी साइड स्लोप क्या होता है ना बाहर की तरफ खिसक जाता है, साइड स्लोप बाहर की तरफ खिसक जाता है, जिससे क्या हो जाता है, जिससे यहाँ पे क्रैकिंग क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है, क्रैकिंग क्या होने लगती है, डेवलप होने लगती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें रही, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब बाकी कुछ और टॉपिक है तो और भी इसको देखते हैं, बाकी टॉपिक की भी स्टडी करते हैं कैसे कैसे क्या होता है। हमने कहां तक पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया लॉन्गिट्यूडनल क्रैकिंग तक पढ़ दिया, चार चीजें और बची है, लैक ऑफ बाइंडिंग टू लोअर, ब्लेडिंग, रिफ्लेक्शन और पंपिंग, फिर इसको वन बाय वन बताते हैं कैसे कैसे क्या होता है।
ठीक है, चार टॉपिक पढ़ा दिए थे, पांचवा पढ़ाते हैं लैक ऑफ बाइंडिंग टू लोअर, लैक ऑफ बाइंडिंग टू लोअर फोर्स, ये हमारा क्या है पांचवा। लैक ऑफ बाइंडिंग लैक ऑफ बाइंडिंग टू लोअर लेयर, ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब सड़क की ऊपरी सतह और निचली सतह के बीच में क्या होती है, बाइंडिंग की कमी होती है, ठीक है ना। सड़क की जो ऊपरी सतह है, जैसे आपका कौन सा लेयर हो गया, जैसे आपका क्या हो गया, जो वियरिंग कोर्स होता है, कौन सा कोर्स है, वियरिंग कोर्स में क्या हुआ, हमने दो लेयर्स को डाला, वियरिंग कोर्स में हमने क्या किया, दो लेयर्स को डाला। जब वियरिंग लेयर में हमने दो कोर्स को डाला, सॉरी वियरिंग कोर्स में हमने दो लेयर को डाला, तो इन दो लेयर्स में क्या होनी चाहिए, बाइंडिंग की कमी नहीं होनी चाहिए, इन दो लेयर में क्या होनी चाहिए, बाइंडिंग की कमी नहीं होनी चाहिए, इन दो लेयर में हमारी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर बाइंडिंग होनी चाहिए। अगर इन दो लेयर में किसी भी प्रकार की हमारी क्या हो रही है, किसी भी प्रकार की हमारी बाइंडिंग की कमी हो रही है, तो क्या हो जाएगा, जो नीचे वाली लेयर है वो खराब होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। पहले तो ऊपर वाली लेयर निकलेगी, उसके साथ ही साथ क्या होगी, जो नीचे वाली लेयर है, नीचे वाली लेयर निकलने लगेगी, नीचे वाली लेयर खराब होने लगती है। इसीलिए कहते हैं कि प्रॉपर बाइंडिंग क्या होता है, काफी ज्यादा आवश्यकता होता है, प्रॉपर बाइंडिंग की क्या होती है, काफी ज्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है। लेयर बाय लेयर टॉपिंग, प्रॉपर बाइंडिंग हम करते हैं कैसे, करते हैं लेयर बाय लेयर। अगर बिल्कुल भी आपका प्रॉपर बाइंडिंग नहीं हुआ तो इस प्रकार की दिक्कत होती है। आपको अक्सर देखते हैं कि सड़क बनी और सड़क बनने के कुछ दिन बाद या एक बरसात के बाद क्या होती है, ऊपरी वाली लेयर उजड़ने लगती है, तो वो इसी के वजह से होता है, लैक ऑफ बाइंडिंग टू लोअर लेयर, ठीक है ना। जब नीचे निचली सतह में बाइंडिंग की कमी होगी तो ऊपर वाला भी जो लेयर होगा वो ज्यादा लोड नहीं सह पाएगा और क्या होगा, काफी आसानी से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम दो सतहों के बीच में क्या करते हैं, दो लेयर्स के बीच में क्या करते हैं, बिटवीन टू लेयर्स, दो लेयर्स के बीच में हम क्या करते हैं, हम प्राइम कोट डालते हैं। कौन सा कोट डालते हैं, प्राइम कोट। आपने अपने घर में देखा होगा कि प्राइमर लगाते हैं, जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड के पीछे क्या वॉल है, तो इस वॉल में हम क्या करते हैं, प्राइम कोट लगाते हैं। प्राइम कोट में आपने सुना होगा कि प्राइम कोट लगाते हैं, प्राइम मतलब क्या, जरूरी, ठीक है ना, जरूरी कोट, ऐसा कोट जो काफी ज्यादा जरूरी होता है और इनिशियल स्टेज पे इसको करना चाहिए। तो इसके बीच हम क्या करते हैं, प्राइम कोट या टैग कोट करते हैं। इससे क्या होता है, इससे विफलता को हम काफी हद तक क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन हम पूरी तरीके से इसको कम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अक्सर आप देखते हैं क्या होता है कि सड़क वगैरह जो होते हैं उसमें कहीं बीच बीच में गड्ढे पड़ जाते हैं, कुछ हिस्सा सड़क का क्या होने लगता है, निकलने लगता है, तो वो इस वाली चीज के कारण से होता है, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं छठवें नंबर की, तो छठवें नंबर की बात करते हैं, तो छठवां नंबर हमने आपको क्या बताया था, ब्लीडिंग का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, लिक्विड का ज्यादा हो जाना, या फिर आप बहुत छोटे से टर्म में कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं, जो बिटुमन होता है, बिटुमन क्या हो जाता है, वो एक्स्ट्रा हो जाता है, ज्यादा मात्रा में हो जाता है, ठीक है ना। जो बिटुमन की मात्रा होती है वो ज्यादा हो जाती है, परसेंटेज ऑफ बिटुमन इज ग्रेटर देन नॉर्मल। अगर कहीं पे हमको समझ लीजिए 200 मीटर क्यूब एरिया के लिए, 200-300 मीटर क्यूब एरिया के लिए कुछ भी बिटुमन चाहिए, 5% 10% चाहिए, और वहां पे क्या कर रहे हैं, 20% या 25% बिटुमन डाल दे रहे हैं, या फिर आप समझ लीजिए हमको 2 मीटर रोड बनाने के लिए 10 लीटर बिटुमन चाहिए, और 2 मीटर रोड बनाने के लिए हम 20 लीटर बिटुमन डाल देंगे, क्या हो जाएगा, वहां पे ब्लीडिंग हो जाएगी। किस चीज की ब्लीडिंग हो जाएगी, बिटुमन की ब्लीडिंग हो जाएगी, बिटुमन क्या करने लगेगा, बिल्कुल बहने लगेगा, ठीक है। तो जब इस तरीके की चीजें होती हैं
तो इस तरीके की चीजों के कारण क्या होती है, रोड काफी ज्यादा चमकदार हो जाती है, रोड काफी ज्यादा चमकदार हो जाती है। रोड में क्या होता है, काफी ज्यादा रोड में क्या होता है, काफी ज्यादा रोड गीला हो जाता है। गीला होने का सेंस क्या है कि जैसे धूप पड़ता है आप देखते हैं रोड में हल्की हल्की चिपचिपाहट आ जाती है। टेम्परेचर के कारण क्या होता है, रोड में हल्की हल्की चिपचिपाहट आ जाती है। और ये कहीं ना कहीं ब्लीडिंग के कारण क्या होता है, रोड मेल्टिंग का भी प्रॉब्लम होता है। ब्लीडिंग के कारण कहीं कहीं क्या होता है, रोड मेल्टिंग का भी प्रॉब्लम होता है। तो हमको क्या करना चाहिए, इसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ बिटुमन यूज करना चाहिए। नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ बिटुमन को यूज करना चाहिए, ठीक है ना। सातवां ब्लीडिंग रहा आपका, अच्छा ब्लीडिंग रहा। सातवें की बात करते हैं तो सातवां हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्रैकिंग। क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्रैकिंग। रिफ्लेक्शन क्रैकिंग देखिए, रिफ्लेक्शन क्रैकिंग क्या होता है, अगर रिफ्लेक्शन क्रैकिंग की बात करते हैं तो बेसिकली क्या होती है, इस प्रकार की विफलता तब होती है जब हम क्या करते हैं एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर बनाते हैं। अगर कहीं पे आपका क्या है, अगर कहीं पे आपका सीमेंट कंक्रीट का रोड बना है, अगर कहीं पे क्या बना है, सीमेंट कंक्रीट का रोड बना, और सीमेंट कंक्रीट के ऊपर हम क्या कर देते हैं, बिटुमन का लेयर बनाते हैं। अगर आपका कहीं पे सीमेंट कंक्रीट का रोड बना है और इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, इसके ऊपर क्या कर देते हैं, बिटुमन का कंक्रीट बनाते हैं, तो रिफ्लेक्शन क्रैकिंग होने की बड़ी संभावना रहती है। रिफ्लेक्शन क्रैकिंग में क्या होता है, एक ही तरह के क्रैकिंग वन टाइप ऑफ क्रैकिंग या फिर एक प्रकार के क्रैकिंग इज विजिबल विजिबल, मतलब एक तरह की जो क्रैकिंग होती है वो क्या होने लगती है, विजिबल होने लगती है। बहुत दूर से ही आपको देख के पता चल जाएगा इस प्रकार की क्रैकिंग होती है। तो ये बेसिकली आपका कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है, कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेचिंग के कारण होता है। कभी कभी वो स्ट्रेच कर जाता है, कभी कभी वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, तो इसके कारण इस प्रकार की क्रैकिंग होती है। आठवां और सबसे लास्ट हमारा आता है पंपिंग। क्या होता है, अक्सर आपने सड़कों पर देखा होगा कि क्या करते हैं, दरार जो होती है, जो हमारी क्रैक्स होती हैं, जो सड़कों में हमारी क्रैक्स होती है, इस क्रैक्स के अंदर क्या हो जाते हैं, बहुत सारे डस्ट चले जाते हैं, इस क्रैक्स के अंदर डस्ट चले जाते हैं, ग्रेवल चले जाते हैं या सैंड चले जाते हैं, ईटीसी, कई प्रकार की चीजें इस डस्ट के अंदर चली जाती है। तो हम क्या करते हैं, इनको हटाने के लिए मशीन का यूज करते हैं। इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लोअर का यूज करते हैं, एयर ब्लोअर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हम एयर ब्लोअर का यूज करते हैं। और यही हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, यही हमारा प्रोसेस पंपिंग कहलाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब रोड वगैरह बनती है तो क्या करते हैं, लेयर्स को काफी अच्छे तरीके से साफ करते हैं, उसमें से सारी गंदगी को हटाते हैं। तो इस तरीके की चीजों को हम क्या करते हैं, पंपिंग बोलते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही, क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपको काफी चीजें बता दी है, वीडियो काफी लंबा भी हो गया। तो नेक्स्ट वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली जो ये WBM रोड होता है इसके मेंटेनेंस के लिए क्या क्या किया जाए। अभी तो आपने पढ़ा इसका सारा डिफेक्ट पढ़ दिया, फिर हम इसके मेंटेनेंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।